सेक्टर 6 का आत्मानंद स्कूल अब हाईटेक लैब से लेस होगा। इस स्कूल में सबसे हटकर लैब का निर्माण किया जाएगा। मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत लोगों को जोड़ते हुए एस्ट्रोनॉमी और फाइनेंशियली लैब खोलने की तैयारी सेक्टर 6 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में की जा रही है। इसके लिए स्कूल के सभी कक्षों का निरीक्षण महापौर और आयुक्त ने संयुक्त रूप से किया तथा प्राचार्य से इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। इन लैबों के खुलने से बच्चों को अपने ज्ञान को बढ़ाकर प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। स्कूल में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी आयुक्त और महापौर ने ली। आत्मानंद स्कूल में अब तक कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसके तहत डोम शेड, बाउंड्री वॉल निर्माण, पेंटिंग एवं लाइटिंग का कार्य, प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरा एवं शौचालय निर्माण, शौचालय एवं कक्ष का संधारण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया जा रहा है। इसके साथ स्कूल में जरूरत के मुताबिक अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे। देखिए, आत्मानंद स्कूल जो शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिसका रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, जिसकी ओपनिंग की गई है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पर आत्मानंद स्कूल में जो लैब है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब अभी वर्तमान में स्थित है। बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क है जो वहाँ पे जारी है, जिसका महापौर जी ने और आयुक्त महोदय ने जायजा लिया है। और इसके अलावा जो वहाँ पे और भी जो लैब हो सकते हैं हाईटेक लैब, उन पे जो है चर्चा की है। मोर सर मोर जिम्मेदारी के तहत में जो और भी लैब हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी के फाइनेंशियल लैब हो सकते हैं, उनको लेकर जो है विस्तृत चर्चा की है। वहाँ पे बच्चों के जो शिक्षा के साथ में ही जो खेल विकास के सुधारों के लिए भी मैदान तैयार किया जा रहा है, खेल प्रांगण तैयार किया जा रहा है, जिसका भी जायजा जो है सही तरह से लिया गया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा माहौल मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जोन आयुक्त खिरोद भोई, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे, सहायक अभियंता वसीम खान एवं उप अभियंता अर्पित बंजारे आदि मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।